प्रदेश की राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी का कहना है कि इस तरह का यह पहला मामला है कि किसी निजी बस से शराब की तस्करी की जा रही हो, जो रोजाना भोपाल से मंडीदीप के बीच चलती है। वैसे बस का मामला पहला ही, और इससे पहले भी कार्रवाई होती रही, पर बस पहली बार जब्त की गई इसमें। और कल काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीहोर, विदिशा, रायसेन से बसों में शराब की तस्करी, तो हमने अलग अलग टीमें बनाई उस तस्करी को रोकने के लिए। और इसी तरह से हमें हमको कल एक सफलता मिली है, और बस नंबर है MP04PA1856 से हमें 45 लीटर शराब जब्त की गई, और मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभी शराब बस वाले लेके आ रहे थे या किसी यात्री ने रखी थी, ये वेचना का विषय है। हम ISBT पे जहाँ पर बस को जब्त किया गया है वहाँ के CCTV कैमरे से फुटेज निकाल कर जाँच कर रहे हैं कि एक्चुअल में कोई शराब तस्कर इसको लेके आया था या वाहन मालिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये जाँच कर रहे हैं हम लोग। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।